नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा है तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, और वो भी उनके सेक्टर में। तो सेक्टर कौन सा है? सेक्टर है स्टॉक ब्रोकिंग। तो स्टॉक ब्रोकिंग आप सभी जानते हैं, देखिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट्स की जरूरत होता है, कोई ना कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत होते हैं, और ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई ट्रेडिंग अकाउंट जरूरत होते हैं। देखिए आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो कोई भी अकाउंट ओपन करके आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग है उनमें से इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है, और देखा जाए तो इस कंपनी जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ कर रहा है, एक अच्छा खासा फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आया है तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जाकर अभी कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली जॉब इन मतलब इस स्टॉक की इंफॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ जाएगा, तो टेलीग्राम में जुड़ने से आपको डेली बेसिस इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स मिलेगा, जो आप लर्निंग करके कुछ सीख सकते हैं और आज से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी के टेक्निकली सबसे पहले कुछ पैटर्न आपको दिखा दो, जो टेक्निकली इस कंपनी के ऊपर जो राय दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बुलिस राय दिया जा रहा है। देखिए बुलिस के ट्रेंड, यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है आपको बुलिस ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो मंथ ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी के जो वॉल्यूम्स है वो मार्च मंथ के 22 के हिसाब से देखा जाए तो डिलीवरी के जो रिपोर्ट है आप ध्यान से देखना, एनएससी बीएससी सॉरी एनएससी और बीएससी में जो ट्रेड हुआ तो ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ, करीबन करीबन 469K, मतलब 4,70,000 के आसपास किया गया। मगर डिलीवरी कितना उठाया गया तो मतलब कंबाइन के ऊपर डिलीवरी उठाया गया 1,40,000 के आसपास। तो 1,40,000 क्वांटिटी के आसपास डिलीवरी उठाया गया। देखिए वीकली रिपोर्ट दिखा दूँ, मंथली रिपोर्ट दिखा दूँ, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर डिलीवरी उतना ज़्यादा उठाया नहीं जा रहा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बुई मतलब बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिया गया है, तो उतना स्ट्रांग बुलिश नहीं है, अभी भी न्यूट्रल है, मतलब बीच में है, तो मतलब न्यूट्रल है, तो स्ट्रांग बुलिश अभी भी नहीं है। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के क्या राय है? देखिए इन्वेस्टर मतलब प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास करीबन करीबन देखा जाए तो जो टोटल होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला 43% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एफआईएस सॉरी मतलब म्यूचुअल फंड के पास कितना, 7.71% का होल्डिंग है। एफआईएस के पास 17.5% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास देखा जाए तो 30% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया है, और एफआईएस का जो होल्डिंग है मुझे सबसे जो अच्छा चीज लगा, लगातार लगातार वो होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सेम टू सेम अगर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग दिखा दूँ तो यहाँ पे फ्लैट हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे माल बेचा गया। तो रही बात इस कंपनी के म्यूचुअल फंड की जो बाई और सेल है लास्ट कुछ मंथ में, सितंबर मंथ में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया, अक्टूबर मंथ में भी म्यूचुअल फंड ने बाई किया, नवंबर मंथ ने अच्छा खासा सेल किया करीबन 1 लाख क्वांटिटी से भी ज़्यादा, दिसंबर से 1,67,000, और जनवरी में कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया, और फेबर में 26,000 का यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। तो जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला वो कुछ खास डेटा नहीं है, मतलब कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात इस कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट के, तो सेल्स का जो रिपोर्ट है कंपनी हर साल खुद का सेल्स को बढ़ाते जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि इस कंपनी किस तरीके से तेजी से मतलब जो अकाउंट्स ओपनिंग है, जो अकाउंट्स मेंटेन है, मतलब जो डीमैट अकाउंट है, इस कंपनी के माध्यम से बहुत तेजी से ओपन किया जा रहा है, साथ ही साथ अच्छा खासा ट्रेडिंग भी हो रहा है, तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था। तो कंपनी इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस है, देखिए एक्सपेंस कंपनी के जो टोटल इनकम सॉरी मतलब कंपनी का टोटल जो सेल्स है उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे कंट्रोल में अच्छा खासा देखने को मिला। और एक्सपेंस के डेटा दिखा दूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 27% के आसपास, एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज़्यादा है 12% के आसपास, और अदर्स कॉस्ट है कंपनी का। तो कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है,
आप कहेंगे सर ये तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं? देखिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी का जो नया नया प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। देखिए आज आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, मान के चलिए इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के मॉडिफिकेशन, वेबसाइट के मॉडिफिकेशन, चेंजिंग, तो ये सारे चीज़ मेंटेनेंस करने के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से देखा जाता है। रही बात कंपनी के सेल्स का, तो सेल्स का ग्रोथ जो है वो परसेंटेज के वाइज आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार दिखा लास्ट 2 सालों में, 2 सालों में, 2021 में 2022 में, ये बहुत शानदार पॉजिटिवली ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ कंटिन्यू होता है कि नहीं है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो रही बात कंपनी के, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, कंपनी का आदर्श इनकम। तो अगर किसी कंपनी का खुद का सेल्स से कई गुना ज्यादा अगर आदर्श इनकम से पैसा आ रहा है तो उस कंपनी में एक वीकनेस हिसाब से आप जरूर सोचना। यहाँ पे आदर्श इनकम बहुत कम है, तो मतलब कंपनी देखा जाए तो बहुत कम आदर्श इनकम किया और इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ा और साथ ही साथ कंपनी का डिप्रिसिएशन खर्चा भी है। तो सब कुछ जोड़कर प्लस माइनस करके टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में लगातार लगातार प्रॉफिट आ रहा है और वो भी इंक्रीजिंग मूवमेंट में। देखिए 80 करोड़ था, 82 करोड़ हुआ था और 200-300 करोड़ के आसपास और 625 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा था, मतलब अच्छा कंटिन्यू कर रहा है और रिटर्न ग्रोथ भी 5 साल 3 साल में अच्छा खासा देखने को मिला। फिर भी इस कंपनी के ऊपर लॉसेस है, क्यों? उसके पीछे कारण भी आपको मैं बताऊंगा। तो रही बात कंपनी के, तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है एंजल वन। आप सभी जानते एंजल वन एक सबसे पहले इस कंपनी ने, देखा जाए तो आपको इस ट्रेडिंग के लिए 20 रुपीज फ्लैट में ट्रेडिंग करने के लिए दिया और 0 ब्रोकरेज लेके आया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी प्लेटफॉर्म में इसी इसी तरीके से काम किया। तो एक नंबर वन ब्रोकिंग फर्म बता रहा है, तो मेरे हिसाब से नंबर वन है कि नहीं वो तो आप डिसाइड करेंगे। तो ये अगर नंबर वन तो जीरोधा कितना नंबर है में है तो मुझे जरूर कह देना। तो मेरे हिसाब से जीरोधा नंबर वन है। तो ये नंबर वन बता रहा है क्या? नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए ऑथोराइज पर्सन, मतलब ऑथोराइज पर्सन के हिसाब से, एनएससी के ऑथोराइज पर्सन के हिसाब से नंबर वन बता रहा है। तो कुछ बात वो अलग है, 25 ईयर्स का इसका ट्रस्टेड एक्सपीरियंस है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर यूजर है और 18 से भी ज़्यादा इसका ऑथराइज पर्सन है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसका ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियली, एक पॉइंट जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो है इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको देखना है रिजर्व ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ कर्जा कितना है, 3000 करोड़ के आसपास। देखिए 1000-1700-1200 करोड़ का कर्जा था, आज कर्जा इतना बढ़ क्यों गया? क्योंकि देखिए कंपनी ने जो कर्जा लिया वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कुछ कर्जा नहीं है, सारे कर्जा वो मिटा दिया, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही 3032 करोड़ के आसपास कर्जा ले लिया। तो एक बहुत बड़ा कोई ना कोई थिंकिंग कंपनी ने लेके रखा, तो इसलिए कर्जा ज्यादा लेकर काम कर रहा है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कंपनी कर्जा देने के बाद भी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकते हैं? रही बात कंपनी के लाइबिलिटीज की, तो ट्रेड पेबल मतलब कंपनी ने जो जितना ट्रेड किया तो उनमें से कंपनी को अब मतलब पे करना पड़ेगा 4000 करोड़ के आसपास। तो ये भी कंपनी का लाइबिलिटीज है, कंपनी का दाय है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, मतलब कैश ऑपरेटिंग कैश के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे 500 करोड़ के आसपास इस बार हाथ में कैश आया, जो 900 करोड़ के आसपास कंपनी खाते में प्रॉफिट दिखाया। पिछले बार 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया था और 1100 करोड़ के आसपास नेगेटिविटी देखने को मिला। तो रही बात कंपनी के गुड न्यूज के बारे में, तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एंजल वन के ऊपर एक अच्छा खासा पिछले दिनों में जम देखने को मिला था, तो 4.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला था और इस तेजी के पीछे कारण आप सभी जानते हैं। यहाँ पे तेजी के पीछे जो कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, कंपनी 9.60 रुपीज का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आप बीसी की वेबसाइट में जाएंगे तो 31 मार्च, मतलब 31 मार्च से पहले आपको इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना होगा इस तरीके से डिविडेंड पाने के लिए, और वो भी डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, 9.60। देखिए कंपनी लगातार डिविडेंड देते रहते हैं, जनवरी माह में भी डिविडेंड दिया और इस बार भी मार्च माह में डिविडेंड दे रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद, मतलब आने से पहले ही कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो एक अंदाजा लगाया जाते हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो चार्ट पैटर्न में आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो रेंज है बहुत स्ट्रांग रेंज है, मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ। इस रेंज के नीचे अगर ट्रेडिंग करता है
तो आपको एक अच्छा खासा गिरावट का लेवल दिखेगा, 790 तक एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।